कहते हैं आप लोग मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज से हम यू पी ट्रपल एस सी वीडियो और सी टैट के लिए हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे और यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर वन होगा जिसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे बस आपको याद रखना है कि आपके लिए जो है आपके लिए जो है टाइम जो है बहुत कम रह चुका है यानी कि किसका यू ट्रिपल एस यानी कि यू ट्रिपल एस के लिए हम जो है काम करने वाले हैं और प्लस सी टैट सी टैट के लिए भी हम यानी कि जितने भी सभी एग्जाम आपके हैं जिसमें हिंदी होती है उनके लिए हम जो है आज से एक प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदी की और हमारा एक प्रैक्टिस सेट होगा पचास क्वेश्चन में होंगे ठीक है और हम उन क्वेश्चनों को एनालिस करेंगे और प्लस आपको भी टाइम देंगे कि आप भी अपना जज कर सकें कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं दोस्तों जिसको हम पीपीटी माध्यम से यानी कि पीडीएफ माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसा होता है कि पीडीएफ माध्यम से आपका जो है ये पीडीएफ लिंक जो है आपको वहाँ से टेलीग्राम से मिल जाएगा चलिए तो शुरू करते हैं लेट स्टार्ट नाउ देखिए बेटा यहाँ से बात करते हैं सामान्य हिंदी की ठीक है पहला क्वेश्चन जो है वह हमारा है कि अबिनवेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द या हिंदी अनुवाद होगा तो यहाँ पर पहला विकल्प है शोधन दूसरा विकल्प है संशोधन और तीसरा विकल्प है प्रशोधन और चौथा है समाशोधन आपको टाइम दिया जाता है बताइए इसका सही आंसर क्या है शायद मैं उम्मीद करता दूँ आपने यहाँ पर जज कर लिया होगा तो चलो हम बताते हैं इसका सही आंसर है संशोधन ठीक है बेटा इस तरीके से आपका जो हो गया आ, आंसर हो गया है यहाँ से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं यानी कि दूसरा क्वेश्चन है सूर सागर के रचिता कौन है सूर सागर के रचिता कौन है पहला है विद्यापति दूसरा है जयदेव तीसरा तुलसीदास और चौथा सूरदास है ठीक है भाई तो आपको यहाँ से आंसर मिल गया होगा पूरी तरीके से तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास तो दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें आप पेन्सिल कॉपी लेकर बैठे होंगे और यहाँ पर आप नोट करते रहना कि सूरदास की जो जन्म हुआ था वह हुआ था चौदह में कब हुआ था बेटा चौदह को जो है इनका जन्म हुआ था इसको नोट करेंगे और रुनकथा एक नामक ग्राम था वहाँ पर इसका सॉरी इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम क्या है श्री वल्लभाचार्य है आपको यहाँ से याद करना है ठीक है भाई और अगर हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं तो बेटा आपको लिख लेनी है सूरसागर सारावली सूर साहित्य लहरी नल दम्यती, सूर पचीसी, गोवर्धन लीला और नाग लीला इस तरीके से एक बार और सुन लेंगे इनकी रचनाओं की बात अगर हम रचना की बात कर रहे हैं तो रचना की बात जो है आप एक बार और सुन लेंगे क्या है सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी नल दम्य सूर पचीसी गोवर्धन लीला नागलीला आदि ठीक है दोस्तों तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ तो हो चुके हैं चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित या निम्न में रीति काल का कवि कौन है अरे वाह इतना बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए ठीक तो है भाई तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तीसरा है बिहारी और चौथा है सुमित्रा पंत तो आप लगाइए इसका हिसाब बिल्कुल अच्छे तरीके से कौन है तो हम बात करते हैं करेक्ट आंसर इज द सी तो हमारा हो जाएगा बिहारी चलिए इनका नाम लिखते हैं बिहारी लाल इनको कहते थे ठीक है क्या कहते थे इनको बिहारी लाल इनको कहते थे ठीक है जी इनका जन्म सोलह सौ तीन ईस्वी में ग्वालियर में हुआ ठीक है सोलह सौ तीन ईस्वी में ग्वालियर में हुआ है और इनके पिता का नाम केशव राय था ठीक है जी क्या नाम था केशव राय जो जयपुर के नरेश सॉरी जयपुर के नरेश जय सिंह के दरबार में रहते थे ठीक है भाई तो अगर हम यहाँ बात कर लें इनके बारे में तो देखिए क्या था इनका जन्म अगर बात करें तो जन्म बेटा यहाँ से कब हुआ था जन्म हुआ था अगर हम बात करें तो सोलह सौ तीन ईस्वी को जन्म हुआ था ठीक है भाई कहाँ पर हुआ था ग्वालियर कहाँ पर हुआ था ग्वालियर में हुआ था अगर यहाँ बात करें तो और इनके जो पिताजी के हैं उनका नाम क्या था केशव केशव दास ठीक है भैया केशव राय सॉरी केशव राय ठीक है इनके पिताजी का नाम है तो यहाँ से आप इनको नोट कर सकते हो ठीक है दरबारी कवि थे राजा जयसिंह के ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ठीक है यहाँ पर दो क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे दो क्वेश्चनों को ठीक है भाई देखिए दोनों क्वेश्चनों में क्या है पहला क्वेश्चन उसने कहा था कहानी के लेखक हैं उसने कहा था कहानी के लेखक हैं पहला विकल्प है किशोरी लाल गोस्वामी दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी तीसरा प्रेमचंद्र और चौथा भगवान दास आप आंसर बताइए बिल्कुल जल्दी से आंसर बना बताना है आपको बहुत जल्दी से आंसर बताना है ठीक है तो शायद आपको आंसर मिल गया होगा ठीक है भाई आंसर आपको जो मिल गया होगा और आंसर क्या है हमारा अगर हम यहाँ बात करें हमारा आंसर जो है यहाँ पर क्या है अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इज द वी क्या है करेक्ट आंसर इज द वी तो जितनों ने भी बी लगाया है बिल्कुल सटीक आंसर है ठीक है अगर हम बात करते हैं इनकी कुछ रचनाओं की तो बेटा निबंध जो है इनका सबसे प्रसन्न निबंध जो है वो है देवकुल ठीक है इनकी सबसे बढ़िया कविता जो है वह है भारत की जय अगर इनकी सबसे बढ़िया कहानी की अगर हम बात करें तो सुखमय जीवन क्लियर चलिए पाँचवें क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं उर्वशी किसका काव्य ये तो बच्चे बच्चे को पता है अगर किसी को नहीं पता है तो समझ लीजिए आप पेपर देना ना जाओ ठीक है अगर नहीं पता तुमको, तो तुमको ठीक है भैया तो उर्वशी किसका काव्य है यहाँ तो जल्दी बताइए क्या है उर्वशी ठीक है भाई उर्वशी किसका काव्य है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था इसको ठीक है याद करिए तो क्या है इसका उर्वशी का रामधारी सिंह दिनकर इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ठीक है तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा यहाँ से आंसर तो देखो बेटा इसकी अगर हम बात करें रामधारी सिंहकर की तो बिहार के मुंगेर ज़िले के रहने वाले हैं कहाँ के रहने वाले थे मुंगेर जिले में ठीक है भैया तो यहाँ से हम इतना कर सकते हैं ज्ञानपीठ उन्नीस सौ बहत्तर में मिला था बहुत जल्दी जल्दी करने वाले क्योंकि क्वेश्चन क्यों 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 जो है पचास है क्वेश्चन जो है पचास है और देख लीजिए हमें कम से कम कम से कम ऐसा मान के चलिए पाँच यानी कि पचास मिनट यहाँ को लगने वाले हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट अब गद्यांश पढ़ लीजिए गद्यांश है अपने प्रियजनों से रहित राज्य किसी काम का प्यारी मनुष्य जाति का सुखी जग जगत के मंगल का मूल साधन है बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं धन की पूजा से स्वर्य तेज बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है ठीक है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम पर हृदय निष्पट मन और मित्रपूर्ण नेत्र नेत्रों से निकल कर बहती है तब वही जगत के सुखे खेतों को हरा भरा प्रफुल्लित करती है और उसी को उसी और वही उनमें फल भी लाती है बहुत ही प्यारा गद्यांश है एक बार आप इसको नज़र मान लीजिए देखिए ठीक है एक बार नज़र मान लेंगे ठीक है भैया अब क्वेश्चन है हमारा ये छठा क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है छठे क्वेश्चन पर चलते हैं किस किससे रहित राज्य किस काम का यानी किससे रहित राज्य किस काम का तो जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियजनों से यानी किससे रहित राज्य किस काम का प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का ठीक है भाई जगत का अर्थ यहाँ से किससे होता है इसको आप करेक्ट बताओगे देखिए पर्यावाचिक है संसार का आप लिखना चाहो तो लिख लो जगत का पर्यावाचिक जो है वो क्या है संसार यहाँ पर लिखो जगत विश्व जग दुनिया जगत विश्व दुनिया ठीक है सब लिख लो जगत विश्व दुनिया ठीक है भाई तो यहाँ से सात क्वेश्चन हो चुके हैं बहुत बढ़िया चल रहा है बहुत ही बढ़िया चलिए आठवें क्वेश्चन को की तरफ अग्रसर होते हैं आठवा क्वेश्चन क्या है आठवां क्वेश्चन क्या है बेटा निष्फल का आशय है निष्फल का आशय क्या है निष्फल का आशय क्या है निष्फल का आशय क्या है निष्फल का, का मतलब होता है व्यर्थ क्या होता है व्यर्थ करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज द बी ठीक है हो जाएगा आपका बी तो इसमें निष्फल में अगर हम कुछ और शब्द जोड़ें जैसा बेकार हो गया निरर्थक हो गया ठीक है तो इसको हम क्या कह सकते हैं बेकार कह सकते हैं क्या कह सकते हैं बेकार कह सकते हैं निष्फल तो हमारा दे ही रखा है ठीक है निष्फल तो हमारा दे रखा है और क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए इसके लिए हम लिख सकते हैं है निरर्थक क्या लिख सकते हैं है निरर्थक क्या लिख सकते हैं निरर्थक ठीक है भाई निरर्थक लिख सकते हैं बेटा ठीक है क्या लिख सकते हैं है। निरर्थक है है है। हो सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है ठीक है नवा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये तो मजा कर दिया इसने तो देख क्या है सुख के खेतों का हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है क्या है इसमें ऑप्शन है जीवन को सुख में बनाना ऑप्शन है जीवन को दुख में बनाना खेतों की सिंचाई करना जीवन को संकट में डालना तो करेक्ट आंसर जल्दी सोच लीजिए क्या हो सकता है ठीक है भाई सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जीवन को सुख में बनाना ठीक है आप अपना ना चेक करते रहना कि तुम्हारे सही कितने हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं इससे ही आप जज करोगे हम डेली ये काम करने वाले हैं ठीक है जी क्योंकि ऐसा था ना बोर्ड पर लिखना जो है बड़ा उचित अनुचित हो रहा था इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम इसको हाँ आपको पी माध्यम से करा दें प्रैक्टिस ही तो करानी है बेटा ठीक है चलिए दसवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है तो देखिए मैं बताता हूँ दीर्घ स्वर क्या है ई जो है वो स्वर है ठीक है बड़ी ई जो है वो दीर्घ स्वर है ए जो है ये भी दीर्घ स्वर है और ए भी जो है बड़ा दीर्घ स्वर है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होएगा देखिए दीर्घ दीर्घ पूछा है तो दीर्घ है ई क्योंकि ये जो है ना दोनों दीर्घ हैं परंतु संयुक्त दीर्घ हैं कैसे दीर्घ हैं संयुक्त दीर्घ क्योंकि ऐ का निर्माण जो होता है वो किसका किस्सा होता है ए एक, ए का निर्माण जो होता है ए और ई सब होता है किसका होता है ए और ई से तो ये तो होता भी जाती है इस बड़े ए का जो होता है वो किससे होता है ए और ए सब ए और ए सब होता है ठीक है इसका ठीक है भाई और इसका जो निर्माण होता है, है। इससे ई जो है वो हिरस् स्वर है ई जो है हिरस्वर तो दीर्घ कौन सी हो गई ई हो गई क्योंकि दीर्घ स्वर जो होता है वो सहजातियों को बोलते हैं अपनी जाति यानी छोटी ही छोटी बड़ी 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 छोटी प्लस बड़ी बड़ी तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बी ठीक है भाई चलिए ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन क्या है निम्न में से अंत अंतस्थ व्यंजन कौन सा है तो ग्यारह लेवे होते हैं क्या होते हैं ये रे ले और तो अब आप ये देख लीजिए इनमें से कौन सा ऐसा है तो करेक्ट आंसर मिल गया होगा आपको यहाँ से और करेक्ट आंसर आपका हो गया है बी ठीक है भाई बताओ मज़ा आ रहा है नहीं बिंदास तरीके से तैयारी चल रही है आपकी बहुत बिंदास तरीके से चलनी चाहिए ठीक है चलिए चलिए देखते हैं आगे आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं यानी कि आगे यहाँ पर देखते हैं सॉरी यहाँ पर आगे देखते हैं थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे देखते, देखते हैं क्या है आगे हम बारहवा क्वेश्चन देखते हैं बारहवा क्वेश्चन क्या है हमारा बारहवा क्वेश्चन है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन से तो मैं आपको बताता हूँ देखिए एक तो होता अल्प प्राण क्या होता है एक अल्प प्राण होता है ठीक है अल्प होता तो इसका तो याद रखो एक तीन पाँच यानी प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा एक होता है महा महाप्राण होता है तो क्या होता है इसका दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा तो अब देखिए ख दूसरा वर्ग है नहीं होगा ठीक है घ चौथा वर्ग है नहीं होगा ठ दूसरा वर्ग है नहीं होगा तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बी कितना प्यारा क्वेश्चन होगा बी हो गया ना तीसरा है ना कै वर्ग का तीसरा तो बस ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट है बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ठीक है भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यानी कि अगर हम यहाँ बात कर रहे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन तो क्यों है ये देखिए निम्न में औष्ट वर्ण कौन सा है वर्ण कौन सा है निम्न में से तो पहला है ए आ ई तो ऊ हो गया यहाँ से ठीक है भाई चलिए पंद्रवा क्वेश्चन देख लीजिए पंद्रवा क्वेश्चन योग रूढ़ कौन सा है तो, तो पहला विकल्प तो है पीला दूसरा है जलज और तीसरा है पर और चौथा है दूध वाला ठीक है भाई तो बताइए जल्दी बस जल्दी बताइए क्या होता है जलज ठीक है इसमें तो कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर मिल गया होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलज क्यों क्योंकि जल और जन्म तो दोनों जल भी रूढ़ शब्द होता है और जन्म भी तो दोनों रूढ़ शब्द होते हैं यानी कि जल को लिख दो तो ये भी रूढ़ शब्द होगा और जन्म को लिख दो तो ये भी रूढ़ शब्द होगा और दब जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं योग रूढ़ यानी रूढ़ों का रूढ़ों का योग रूढ़ों का योग ठीक है भाई तो यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा हो गया जलज यहाँ पीला शब्द रूढ़ है पर शब्द रूढ़ है दूध वाला जो है योगिक शब्द है तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका जलज हो गया आपका करेक्ट आंसर ठीक है भाई चलिए छठे क्वेश्चन के सोलवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सोलवा क्वेश्चन क्या है देखिए महोत्सव है महोत्सव महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है तो मह प्लस उत्सव मही प्लस उत्सव और महा महा सॉरी महाप्लस उत्सव और मही प्लस उत्सव देखिए ओ बना है तो ये गुण संधि है क्या है ये गुण संधि और गुण संधि में जब ओ बनता है गुण संधि में जब ओ बनता है तो किससे बनता है किससे बनता है आ और आ और ऊ से आ और ऊ से मिलकर बनता है तो आ देखो महा में है और ऊ जो है उस सम में है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया महोत्सव ठीक है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा महोत्सव हो चुका है और हमने यहाँ पर कर लिए हैं अपने पूरे पंद्रह क्वेश्चन कौश्च, सोलह क्वेश्चन ठीक है भाई चलिए ऐसे ही करते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं घबराना नहीं है ठीक है सत्रहवा क्वेश्चन और अट्ठारहवें क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे हम ठीक है भाई देखिए सत्रहवा क्वेश्चन क्या है बैलगाड़ी में समास है बैलगाड़ी में समास है ठीक है भाई तो इसका संधि विच्छेद करोगे मुझसे समाध विग्रह करोगे तो वो आपका आंसर मिल जाएगा चलिए पहला है द्वंद्व दूसरा है दिगू तीसरा है अवयव और चौथा है तत्पुरुष ठीक है भाई पहला जो है आपका वो क्या है दिगु फिर द्वंद्व दूसरा है दिगु तीसरा है अवयव चौथा है तत्पुरुष चारों में से आप ही बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष में ठीक है भाई तत्पुरुष में तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं तत्पुरुष में जाएगा इसका क्या जाएगा तत्पुरुष में जाएगा क्यों जाएगा तत्पुरुष में कि देख लीजिए तत्पुरुष का पूर्व पद जो होता है प्रधान होता है तत्पुरुष का पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गोड़ होता है यानी कि आश्रित होता है तो यहाँ पर बैल की गाड़ी क्या बन जाएगा बैल की गाड़ी तो पूर्व पद हो गया प्रधान और उत्तर पद हो गया गोड़ तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका बैलगाड़ी ठीक है भाई चलिए अठारहवा क्वेश्चन देखते हैं आगमन में उपसर्ग है ठीक है आ ए आग और मन तो यहाँ से कौन सा आंसर उपसर्ग शब्द से पहले लगता है उपसर्ग सबसे पहले लगता है तो ये हो गया आ आप प्लस के गमन आप प्लस के गमन ठीक है भाई आप प्लस के गमन इज द करेक्ट आंसर तो यहाँ से हमारा आंसर बना है यहाँ से हमारा आंसर बना है मेरे दोस्त कौन सा आंसर बना है यहाँ से बना है हमारा आंसर हमारा आंसर यहाँ से बना है ए विकल्प ठीक है भाई उन्नीसवें क्वेश्चन की तरफ चलें क्या उन्नीसवें क्वेश्चन की तरफ चलें यहाँ पर क्या है रसोइया रसोइया में प्रत्यय है या क्या है या रसोइया क्या है प्रत्यय या क्या प्रत्यय है या अरे सारे के सारे करके आओगे आप लोग एग्ज़ाम में आप सारे करके आओगे इस चीज़ को आप सर तक लगा लो इस चीज़ की ठीक है भाई चलिए ठीक बीसवें क्वेश्चन की तरफ चलें क्या बीसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं निम्न में से निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द जो है निम्न में से कौन सा तत्सम है मैं तत्सम की एक आपको ट्रिक बताता हूँ देखिए लिख लो आप तत्सम में क्या होता है एक तो आधा वर्ण आएगा दूसरा बात वहाँ पर अनुस्वर आएगा तीसरी बात जितने भी संयुक्त वर्ण होते हैं वह आएंगे जितने भी हलंती वर्ण होते हैं वह आते हैं जितने भी हलंती वर्ण संयुक्त वर्ण या जितने भी संप्रद बण आते हैं वह भी आते हैं और एक सबसे सीधी बात चार विकल्पों पढ़ कर देख लो जिसमें वायु सीधी निकलेगी वो तो होते हैं तद्भव जिसमें वायु का प्रभाव सीधा होता है वो होते हैं तद्भव और जिसमें वायु का प्रभाव रुक कर होता है ठीक है ठमक कर होता है थोड़ा सा संभल कर होता है तो उसमें क्या होता है वो होता है तत्सव तो यहाँ पर क्षेत्र गधा गाय घर तो गधा गाय घर में वायु सीधी निकल ली तो करेक्ट आंसर आपने ढूंढ लिया होगा क्या है क्षेत्र ठीक है भाई बहुत बढ़िया इक्कीसवा क्वेश्चन क्या है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है तो तद्भव की पहचान सीधी सीधी जी बिल्कुल सीधी सीधी जल्दी बताओ सीधी सीधी क्या है इक्कीसवें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे इक्कीसवें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो क्या आ गया तद्भव आ गया जीभ पूरा निकल गया यौवन निर्झर स्थान ठीक है भाई चलो मैं इसमें थोड़ा बता दूँ आपको मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता दूँ ठीक है भाई बता दूँ बताओ कुछ अगर कहो तो देखिए नींद का होता है निद्रा होता है एक एक होता है शब्द निद्रा ठीक है और ग्राम का होता है गांव ग्राम का क्या होता है गांव ठीक है स्थान यौवन डर इस तरीके से चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं बाईसवें क्वेश्चन की तरफ बाईसवें क्वेश्चन की, की तरफ निम्न से कौन सा शब्द देसज है निम्न से कौन सा शब्द देसज है गोबर घोड़ा हल्दी कटोरा जल्दी बताओ देसज कौन सा जल्दी बता दो कौन है मिल गया कटोरा ठीक है, है भाई चलो नोट करो दो चार को जैसे ऐसे शब्द जो मूल उत्पत्ति का अज्ञात हो परंतु प्रसरण अपने देश में होता हो ठीक है तो क्या होगा देखो इसमें देश में एक तो कटोरा हो गया ये तो आपको मिल ही गया कटोरा ठीक है एक आपका होता जूता एक आपका क्या होता है जूता फिर एक आपका होता खिचडे। खिचडे। खिचड़ी क्या होता है खिचड़ी ठीक है एक क्या होता है आपका पगड़ी क्या होता है पगड़ी ठीक है खिचड़ी पगड़ी फिर आप गड़बड़ खचाखच इस तरीके के शब्द जो होते हैं सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके देशज होते हैं ठीक है भाई क्या होते हैं देशज चलिए तेईसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या है तेईसवा और चौबीसवा क्वेश्चन इनको देख लेंगे तेईसवा चौबीसवा क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है निम्न से कौन सा शब्द विदेशी है ठीक है तो देखिए टिकट मध्य है मयूर वचन ठीक है जल्दी देखो तेईसवा क्वेश्चन क्या है ठीक है भाई तो इसमें करेक्ट आंसर मिल गया होगा क्या है इसका टिकट ठीक है मध्य मयूर वचन ये सब जो हैं अपने देश के हैं ठीक है मध्य मयूर वचन ठीक है तो ये सब अपने देश के हैं चौबीसों क्वेश्चन पर आते हैं चौबीस क्वेश्चन पर संज्ञा शब्द बताना है संज्ञा शब्द बताना है कौन सा तो बताना है संज्ञा शब्द निम्न में संज्ञा शब्द है संज्ञा का मतलब क्या होता है संज्ञा का मतलब होता है वह किसी स्थान को बताता है किसी व्यक्ति के नाम को बताता है किसी व्यक्ति को इंडिकेट करता है तो हरा पतला सभा गहरा तो हरा जो है वो क्या है विशेषण है हरा क्या है देखो विशेषण है पतला भी विशेषण है गहरा विशेषण है, है तो क्या बचा क्या बचा जल्दी बताओ क्या बचा सी सभा और सभा जो है वो किस प्रकार का है सभा जो है वो किस प्रकार का है जल्दी बताओ किस प्रकार का है सभा सभा जो होता है वो किस प्रकार का होता है समूहवाचक संज्ञा किसका होता है समूहवाचक संज्ञा का ठीक है क्वेश्चन है निम्न में से निम्न सर्वनाम शब्द है निम्न में से या निम्न सर्वनाम शब्द है तो नींद रोग सफाई या कौन कौन सा विकल्प है करेक्ट आंसर जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ तो यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर आपका आंसर है कौन आपका आंसर कौन हो जाएगा कौन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं जैसे वह है तुम वे कौन क्या वे तू इस तरीके से ठीक है भाई पच्चीस क्वेश्चन हो गए हाफ हमने कर लिया है काम देखते हैं कितना टाइम हमको लगा है हाफ में अट्ठारह मिनट हमको लग चुके हैं हाफ करने में तो हमारा टारगेट है पचास क्वेश्चन करना जल्दी निपटाना ठीक है भाई आप फुर्ती से करते रहिए समझते रहिए अपने अपना जज करते रहिए क्या है ठीक है छब्बीसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या है निम्न में विशेषण शब्द है पहला है लड़कपन दूसरा है उचित दूसरा उचित है विकल्प तीसरा है कठोरता चौथा घबराहट जब भी आपको प्रयोग करना विशेषण तो आपको क्या काम करना है आपको जो काम करना बेटा वो करना है विशेषण के लिए वाक्य में प्रयोग ठीक है वाक्य में करना प्रयोग अब देखिए क्या है इसमें ठीक है जैसे सब विशेषण शब्द कौन से होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं तो देखिए इसमें क्या हो सकते हैं जैसे छोटा हो गया बड़ा हो गया काला हो गया एक हो गया दो हो गया अच्छा हो गया बुरा हो गया तो यहाँ पर क्या है इसमें क्या है जल्दी बताओ उचित कहते नहीं यह है काम उचित है तो काम कैसा है उचित उचित समय ठीक है लड़कपन जो होता है भावचर कठोरता घबराहट ये सब क्या होती है आपके विशेषण होते सॉरी क्या होते हैं ये आपके क्या होते हैं ये आपके घबराहट ठीक है लड़कपन ठीक है कठोरता ये क्या होते हैं प्रेरणा देते हैं ये क्या देते हैं प्रेरणा ठीक है, है चलिए नेक्स्ट में सत्ताईसवें क्वेश्चन देखेंगे जज करेंगे निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है तो देखिए प्रेरणार्थक में अगर प्रथम प्रेरणार्थक बात करेंगे तो आना लगेगा और दूसरे में लगेगा बाना तो आना बाना ला देखो उठ प्लस ना उठना संज्ञा हो गया ठीक है गिर प्लस आना तो क्या हो गया घिराना करेक्ट आंसर सी प्रेरणार्थक में क्या होता है धातु का वह विकृत रूप जिससे क्रिया के कार्य में कर्ता की किसी की प्रेरणा के बोध होता है यानी किसी से प्रेरणा की बोध होता है ठीक है उसे हम क्या कहते हैं प्रेरणार्थक जैसे गिर प्लस आना तो किसी से गिराया है उसको गिराना ठीक है चम गिर प्लस बाना तो क्या हो गया गिर बाना किसी से प्रेरणा लिया जा रही है उसमें ठीक है प्रेरणा ली जा रही है चलिए अट्ठाईसवा क्वेश्चन क्या है निम्न में अव्यय है तो अव्यय क्या होते हैं जल्दी बताओ पहले तो अव्यय शब्द क्या होते हैं अव्यय वह होते हैं मैं परिभाषा बता दूँ बे शब्द जिसका लिंग वचन पुरुष कारक आदि पर प्रभाव नहीं पड़ता उन अव्य कहते हैं तो यहाँ बता दो अब इनमें कौन सा है अव्य तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ठीक हो जाएगा कैसा हो जाएगा आपका भी आंसर ठीक हो जाएगा और विकल्प भी ठीक हो जाएगा ठीक है भाई तो नोट करो इधर उधर जब तब अभी कब ठीक ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं अव्यय कौन कौन से इधर उधर जब तब अभी कब ठीक सब तो कैसे हो जाते हैं कृष्ण शब्द जो है वो संज्ञा है जापान संघ जो है सब संज्ञा उत्तर भी क्या है संज्ञा ठीक है भाई तो ये तीनों संघ संज्ञा है जबकि ठीक जो है वो क्या है अव्यय है क्या है भाई अव्य चलिए उनतीसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं उनतीस और तीस क्वेश्चन दोनों बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं ठीक है देखिए पक्षी का पर्यावाचक क्या है भूधर मीन ब्रंद बिहग बिल्कुल पता चला होगा आपको बिल्कुल पता चला होगा क्या मिल गया आंसर कर दें ठीक क्या है बेहग मीन माने मछली का होता है भूधर भूमि भूमि पर धरा हुआ ब्रंद माने होता है ठीक है माने जो होता है माने क्या होता है सभ्य ठीक है माने क्या होता है सभ्यत ठीक है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया बि बिहग तो बिहग का क्या होता है देखो पक्षी के क्या क्या होते हैं नोट कर लो जरा खग होता है बिहग होता है नबचर होता है इन सबको हम क्या कहते हैं पक्षी के बरेबासी कहते हैं बेटा नोट कर लेना इनको क्या होता है खग बिहग नब ये क्या होते हैं सब ठीक है चलिए तीसरा क्वेश्चन जटिल का विलोम है जटिल का विलोम होगा जटिल का विलोम होगा सरल कठिन कुटिल टेढ़ा विलोम विलोम मतलब उल्टा ठीक है जटिल जटिल का मतलब होता है कठोर और कठोर को हम क्या कहते हैं सरल तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ए तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर सरल ठीक है तीस क्वेश्चन इकतीसवें क्वेश्चन के तरफ चलें क्या ठीक जो देने योग्य है के लिए एक शब्द होगा जो देने योग्य है के लिए एक शब्द होगा ठीक है भाई जो देने योग्य है के लिए एक शब्द होगा जल्दी बता दो तो क्या है इसका जो देने योग्य है उसका क्या है तो उसे क्या कहते हैं दे कहते हैं उसे कहते हैं दे, है? दे ठीक है भाई मैं आपको बता दूं मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जब भी ये जो है ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं आपको बत करा रहा हूँ ठीक है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ठीक है और सबसे सटीक हिंदी की जो बुक है सबसे सटीक जो हिंदी की बुक है एयरपेड की साइड में वो दिशा पेवी है जिससे आप बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हो ठीक है भाई चलिए बत्तीसवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिन और दीन शब्द का सही अर्थ बताना है दिन और दीन का तो पहला है दिवस गरीबी बी विकल्प है गरीब और दिवस तीसरा विकल्प सुब है सुबह और गरीब चौथा विकल्प है दोपहर और गरीब तो आप बताइए जल्दी इसको जल्दी बताइए देखिए पहले दिन का जो होता है उसका मतलब होता है दिवस और दूसरे दिन का मतलब होता है गरीब तो आपका आंसर क्या हो गया आपका आंसर हो गया ए विकल्प आपका आंसर क्या हो गया ए विकल्प ठीक है चलिए तैतीसवा क्वेश्चन क्या है निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है अनेकार्थक का मतलब समझते हो आप अनेकार्थक का मतलब होता है एक के अनेक अर्थ ठीक है तो देखिए साहस नहीं है पुस्तक एक होता है बालक एक होता है तो अंबर क्या हो गया अनेकार्थक हो गया क्योंकि अंबर का आकाश भी होता है अमृत भी होता है और वस्त्र भी होता है ठीक है बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो बढ़िया कर रहे हो बिल्कुल ठीक है आपके आंसर बढ़िया आ रहे हैं चलिए चौंतीसवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चौंतीसवा क्वेश्चन क्या है हमारा निम्न में बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य शब्द शुद्ध शब्द है तो देखिए परीक्षा शब्द जो है ना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लिखा हुआ तो परीक्षा शब्द जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लिखा हुआ है अब पूज्य है तो पूज्य का जो शब्द होता है वो क्या होता है वो होता है पूज्य ये होता है पूज्य ठीक है परीक्षण का जो शब्द होता है वो क्या होता है ये परीक्षण परीक्षण शब्द ऐसे लिखा हुआ होता है ठीक है प्राण का शब्द जो होता है वो ऐसे लिखा होता है प्राण प्राण तो ये होते हैं तीनों सही जबकि ये तीनों क्या हैं इस टाइम गलत है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है परीक्षा ठीक है भाई चलिए पैंतीस क्वेश्चन देखते हैं पैंतीसवा क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में बढ़तने की दृष्टि से अशुद्ध है तो प्रादेशिक सही लिखा हुआ है व्याप्त सही लिखा हुआ है ठीक है ठीक है व्याप्त सही लिखा हुआ है माधारयुक सही लिखा हुआ है जबकि प्रामाणिक अशुद्ध वाक्य है क्या है प्रामाणिक क्योंकि इसका क्या होता है शुद्ध प्रा माणिक क्या होता है प्रामाणिक ये होता प्रामाणिक ठीक है भाई चलिए ठीक प्रामाणिक होता है तो हमारा यहां से कौन सा हो चुका है छत्तीस हो चुका है सैंतीस क्वेश्चन की तरफ चलें निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग है तो मे पे पर होता है अधिकरण में क्या होता है मे पे और पर इनमें से ढूंढ लो कौन सा है मे पे पर तो क्या है पर छत्तीस का आंसर हो गया बी चलिए सैंतीसवां क्वेश्चन को देखते हैं सैंतीसवां क्वेश्चन क्या है निम्न में पुलिंग शब्द है पुल्लिंग शब्द है क्षमा घटना क्षेत्र रीति आप वाक्य में प्रयोग करके जब बताओ इसको आप वाक्य में प्रयोग करके बताओ कि जब वाक्य करेंगे तो हम कैसे करेंगे वाक्य जब करेंगे हम कैसे करेंगे तो जल्दी बताओ क्या है तो देखिए पुललिंग शब्द जो है वो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा क्षेत्र कहते नहीं क्षेत्र अच्छा है है ना मैंने क्षमा मांगी तो क्या हो गया स्त्रीलिंग क्या हो गया स्त्रीलिंग घटना घटी स्त्रीलिंग तेरी रीति अच्छी नहीं है तो क्या हो गया ये तीनों स्त्रीलिंग हो गया क्षेत्र क्या हो गया पुल्लिंग हो गया ठीक है भाई अड़तीसवा क्वेश्चन की तरफ चलें अड़तीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है अड़तीसवां बता रहा है स्त्रीलिंग को निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है निम्न स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है जल्दी बताओ स्त्रीलिंग अड़तीसवें में स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द वाक्य प्रयोग तुझे बहुत दुख है है ना तेरा लेख बहुत अच्छा है लेख है ना अच्छा गरिमा ठीक है क्या है गरिमा समझ गए नहीं जल्दी बताओ गरिमा ठीक है तो क्या हो जाएगा गरिमा हो जाएगा उसकी गरिमा अच्छी नहीं है तुम मुझे स्पर्श करते हो ठीक है तो ये भी आपका तो इसका आंसर हो गया गरिमा ठीक है उनतालीसवा क्वेश्चन देखते हैं किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है ठीक है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है तो किसका होता दर्शन में का किसका होता है दर्शन का करेक्ट आंसर चालीस क्वेश्चन की तरफ चलें क्या निम्न में भूतकाल का उदाहरण है मैं जाता हूँ करता कारक का है फिर किसका है वर्तमान काल का है ठीक है वह आ रहा है वर्तमान का है वह पुस्तक पढ़ेगा भाई तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रामघर गया था ठीक है भाई तो चालीस हो का आपका आ चुका है चालीस प्रश्न आपके हो चुके हैं देखते हैं कितना टाइम छब्बीस मिनट बावन सेकेंड ठीक है इन सत्ताईस मिनट में चलिए देखते हैं आगे अभी दस क्वेश्चन और हैं दस क्वेश्चन और फुर्ती से करेंगे हमारा काम टाइम वेस्ट करना है नहीं है हमारा काम बिल्कुल बता लो ठीक है इकतालीसवा क्वेश्चन क्या है निम्न में भाववाचक संज्ञा यानी निम्न में भाववाच्य है तो भाव का मतलब होता है फीलिंग ठीक है फीलिंग मोहन पढ़ता है मोहन पढ़ता है कैसा वाक्य है मोहन पढ़ता है तो क्या है कृतवाच्य श्याम पत्र लिखता है श्याम पत्र लिखता है कृतवाच्य पत्र लिखा गया क्या है क्रमवाच्य तो यह भी यहाँ पर क्या हो गया मोहन से चला नहीं जाता मोहन से बैठा नहीं जाता सॉरी तो आपका आंसर क्या हो गया सी विकल्प अब मैं आपको बताता हूँ जो कर्तावाचक होते हैं कर्ता कारक कर्ताकारकर्तवाच्य होते हैं तो उनमें होता है कर्ता प्रधान जो कर्म वाच्य होते हैं उनमें होता है कर्म प्रधान जबकि जो भाववाच्य होते हैं उसमें होती है क्रिया प्रधान उसमें क्या होती है बेटा उसमें क्रिया प्रधान होती है क्रिया की प्रधानता होती है ठीक है इकतालीसवा क्वेश्चन समझ में आ गया चलिए बयालीसवा क्वेश्चन देख लें निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है मिश्र वाक्य ठीक है बयालीसवें में तो आपका आंसर यहाँ से क्या है एक तो मिश्र वाक्य में होता है प्रधान वाक्य और एक होता है आश्रित वाक्य पहचान है बस एक प्रधान वाक्य हो रहा था आश्रित वाक्य होता है तो यहाँ पर देखिए विद्वान सब जगत पूजा जाता है ठीक है गलत है ठीक है क्या है गलत है दूसरा है अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है ये भी गलत है वह पुस्तक राम की है ये भी गलत है तो यहाँ पर क्या है जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए यानी कि ये जो हो गया जब सवेरा हुआ ये तो हो गया प्रधान वाक्य प्रधान उपवाक्य प्रधान उपवाक्य और ये हो गया आश्रित उपवाक्य हम तब हम लोग बाहर गए तो पहला क्या है जब हम सवेरा हुआ जब सवेरा हुआ तो प्रधान वाक्य उपवाक्य हो गया तब हम बाह लोग बाहर गए ये क्या हो गया आपका आश्रित वाक्य हो गया उपवाक्य सॉरी तैंतालीसवें क्वेश्चन को देखें तैंतालीसवें क्वेश्चन क्या है ठीक है देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई मैंने विद्यालय जाना है गलत है मैंने की जगह क्या आना चाहिए मैंने की जगह क्या आना चाहिए मुझे आना चाहिए तो यहाँ पर क्या गलत है मुझे तो ए आंसर सही होगा प्रसन्न चिन्ह कौन सा होता है बी होता है आपको सबको पता है ठीक है भाई चलिए चवालीस क्वेश्चन हो चुके हैं पैंतालीस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आसमान फट जाना आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है आसमान फट जाना असंभव काम होना बहुत शोर करना चुगली करना अचानक आफत पड़ना क्या आंसर है जल्दी बताओ क्या आंसर है अचानक आफत आ पड़ना तो करेक्ट आंसर आपका डी ठीक है भाई बढ़िया बताइए चलिए छियालीसवें क्वेश्चन की तरफ चलें छियालीसवें क्वेश्चन स्वाब लंबी होना स्वाब लंबी होने के लिए सही मुहावरा है पो भारे होना पानी फेर देना पैरों पर खड़ा होना फूक फूँक कर पैर रखना तो आपको जवाब मिल गया होगा इसका आंसर है करेक्ट आंसर सी पैरों पर खड़ा होना ठीक है सैंतालीसवा क्वेश्चन देख लेते हैं सैंतालीसवा क्वेश्चन क्या है बेटा बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोक उक्ति में कहाँ पर है बोढ़े बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोक उक्ति का अर्थ क्या है बताइए कर्म के कर अनुसार फल नहीं मिलना ठीक दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा विकल्प कर जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा कर्म और फल का कोई संबंध नहीं होता कर्म करो फल की इच्छा ना करो करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज द जल्दी बता दो करेक्ट आंसर इज द इसका जल्दी बताओ करेक्ट आंसर इज द बी विकल्प जैसे कर कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा ठीक है भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम काम अच्छे कर नहीं रहे फिर रिजल्ट अच्छा मांग रहे हो ठीक है पढ़ाई करते नहीं नौकरी की इच्छा कर रहे हैं ठीक है जब पढ़ाई नहीं करोगे ठीक है तो कैसे करोगे चलिए अड़तालीसवा क्वेश्चन है लाभ ही लाभ होना अरे वाह पाँच उंगली घी में होना हो गया तो फिर क्या हो गया पांच उंगली घी में कहते नहीं मजा ही आ गया तेरा तो तू तो बारात की तरफ से भी है लड़के वाले की तरफ से भी लड़की वाले की तरफ से भी तू तो, तो, तो मजा ही आ गया तेरी तो, तो पाँच उंगली घी में है वही तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया यहाँ ठीक है उनचासवा क्वेश्चन देख लें उनचासवा और पचासवा जो आज के चैप हमारे प्रैक्टिस हेट के मतलब अंतिम क्वेश्चन के पाठ का मूल यानी मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है अनुवाद कहलाता है जल्दी बताइए इसका क्या है मतलब ये बड़ा प्यारा सटीक क्वेश्चन है इसका इसे कहते हैं व्याख्या अनुवाद क्या कहते हैं व्याख्या अनुवाद आपका गलत हो गया मुझे पता है आपका गलत हो गया था क्योंकि आप कुछ और ही लगा रहे थे तो इसका आंसर क्या हो गया वाख्या अनुवाद ठीक है भाई चलिए पचासवा इज़ द करेक्ट आंसर क्या है इसका यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रज हिंदी किस भाषा के अंतर्गत आती है ठीक है जल्दी बता दो ब्रज किस के अंतर्गत आती है पहाड़ी हिंदी पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी तो आपका ध्यान पहुँच गया होगा कन्नौजी ठीक है कन्नौजी और खड़ी बोली और ब्रज यानी कि पश्चिमी हिंदी तो आपका आंसर हो चुका है तो दोस्तों हमने इस तरीके से पचास क्वेश्चन करे हैं हमने जो कह रहे इस तरीके से पचास क्वेश्चन करे हैं ठीक है और ये हमारा हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट था जो हमारा यू पी डब्ल एस सी बी के एग्ज़ाम के लिए हम ये स्कीम चला रहे हैं सीरीज चला रहे हैं और ये लोग सभी जिस भी जितने भी एग्जामों में हिंदी आती है उन सभी के लिए बहुत मोस्ट हो सकता है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार बने हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है तो मिलते हैं नए सेशन पर जय हिंद जय भारत वंदे मातरम ठीक है वंदे